नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भारत की तमाम विपक्षी पार्टियां बीजेपी और मोदी सरकार पर हावी होने की पूरी कोशिश कर रही हैं, और हो भी क्यों ना, आखिर 10 साल के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी लोकसभा में नंबर के मामले में कमजोर हो गए हैं। 2014 और 2019 के चुनाव में प्रचंड बहुमत पाने वाली मोदी सरकार से सबने ये अंदाजा लगाया था कि 2024 के चुनाव में भी बीजेपी आसानी से 272 का आंकड़ा पार कर लेगी, और आखिरी चरण के चुनाव खत्म होने के ठीक बाद आए एग्जिट पोल ने भी यही दर्शाया कि लोकसभा में संख्या बल के मामले में मोदी अब नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। पर 4 जून को आए नतीजों ने सबको चौंका दिया और बीजेपी अब एनडीए के भरोसे नई सरकार का गठन करने जा रही है। आप सबने देखा कि किस तरह से शेयर मार्केट नतीजे आने से पहले झूम रहा था, पर बीजेपी सरकार फंसते देख उसमें बिकवाली शुरू हो गई, और आंकड़ों के मुताबिक निवेशकों के करीब 30 लाख करोड़ डूब गए। इस बीच राहुल गांधी ने इस मुद्दे को मोदी 3.0 सरकार बनने से पहले ही लपक लिया और इशारा कर दिया कि अब विपक्ष पहले से ज्यादा आक्रामक रुख अख्तियार करेगा। दरअसल कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के उस बयान का हवाला दिया जिसमें पीएम ने निवेशकों से नतीजों से पहले शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की बात कही थी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरने के साथ ही इस मुद्दे पर जेपीसी भी गठित करने की मांग की है, पर ये जेपीसी क्या होती है और कब कब जेपीसी की जरूरत संसद को पड़ती है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल किसी बिल या फिर किसी सरकारी गतिविधियों में वित्तीय अनियमितताओं के मामलों की जांच के लिए जेपीसी का गठन किया जाता है। जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य होते हैं। संसदीय समितियों का गठन संसद करती है। ये समितियां संसद अध्यक्ष के निर्देश पर काम करती हैं और अपनी रिपोर्ट संसद या अध्यक्ष को सौंपती हैं। समितियों में भी दो समितियां होती हैं, एक स्थायी दूसरी अस्थायी। दिलचस्प बात यह है कि जेपीसी में सभी राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाता है। 1987 के बाद भारत में अब तक कुल 6 बार, जिसमें 4 बार कांग्रेस की सरकार में और 2 बार बीजेपी की सरकार में जेपीसी बनाई गई। दिलचस्प बात यह है कि जेपीसी बनाने वाली राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आई। तो आइए अब जानते हैं कि कब कब जेपीसी बनी और उसका परिणाम क्या रहा। पहली बार भारत में जेपीसी राजीव गांधी की सरकार के दौरान बनी, जब बोफोर्स घोटाले का मामला सामने आया। दरअसल स्वीडन की कंपनी बोफोर्स और भारत सरकार के बीच साल 1987 में 1437 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा हुआ, और तभी बोफोर्स के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, और ऐसे में राजीव गांधी के करीबी मंत्री रहे वीपी सिंह ने सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया, और परिणाम स्वरूप राजीव गांधी को जेपीसी का गठन करना पड़ा। इसके बाद शेयर बाजार में बिग बुल नाम से मशहूर हर्षद मेहता से जुड़ा 4000 करोड़ रुपए का शेयर घोटाला सामने आया, और साथ ही उसने तब के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव पर यह आरोप लगाया कि उसने पीएम को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है। पर बाद में जेपीसी जांच गठित हुई जिसमें प्रधानमंत्री को क्लीन चिट भी मिला। आगे चलकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी हर्षद मेहता की तरह केतन पारेख, जिस पर 2 लाख करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप था, जिसके दाग वाजपेयी सरकार पर भी लगे थे, उस वक्त भी जेपीसी समिति का गठन किया गया। और दूसरी बार एनडीए की सरकार में जेपीसी की मांग तब उठी जब अटल सरकार के दौरान ही अचानक से सॉफ्ट ड्रिंक में पेस्टिसाइड का मामला सामने आया और जेपीसी समिति का गठन किया गया।